हाउ टू डिज़ाइन अ गेमिंग लोगो इन एंड्रॉयड फॉर फ्री। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए, अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए किस तरह से हम गेमिंग का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जस्ट आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी और उसके अंदर आप बिल्कुल फ्री में टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपना एक लोगो बना सकते हैं अच्छा सा, जो कि आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है गेमिंग का तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी, उसका नाम है ई स्पोर्ट्स लोगो मेकर। अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर जाकर तो आपको ये मिल जाएगा ये एप्लीकेशन आपको। वैसे मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट सिंपल से इसको ओपन कर लेना इस तरह से। जब भी आपके सामने ओपन हो जाएगी, वैसे जो ये प्रीमियम वेरियंस भी हैं इसके, लेकिन आप अगर उसमें फ्री में बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं फ्री में भी इसमें लोगोस। अगर आप तो इसके टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट्स पे यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने खुद का एक कस्टम तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर टेम्पलेट्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वो ऑप्शन आ जाएंगे कि ऐड देखो। मुझे पहले ऐड देखनी पड़ेगी, ये सामने मेरे आ गए हैं सारे लोगोस, तो मैं जो ऐड देखूँगा उस वो वाला लोगो मेरे सामने ओपन होकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला लोगो बनाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे सामने आ गया वॉच ऐड का ऑप्शन। अगर मैं यहां पे वॉच ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी मेरे सामने ऐड आ गया, यहां से मैं इसको कट कर दूंगा ऐड को, तो अब मेरे सामने ये लोगो ओपन हो गया। अब यहां पे मैं जो भी एडिटिंग करना चाहता हूं, अपना जो भी अपना नाम कस्टम लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे अपना नाम लिखना है टेक्स्ट में, तो मैं यहां पे जो भी लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल साइबर में ऐसे कोई भी नाम लिखना चाहूँ, और इसको नीचे ले आएँ, और यहाँ से आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे नीचे आपको कलर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से इसका कलर पहले चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल वाइट करना चाह रहा हूँ या जो भी करना है, या ये येलो करना है, कोई भी कलर आप करना है आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट्स पर आ जाना, और यहाँ से आपके सामने बेतहाशा फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, जितने भी आप फ़ॉन्ट्स लगाना चाहें, बहुत तरह के फ़ॉन्ट्स हैं, देख रहे हैं आप, इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं, आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िलहाल ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ इधर यहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं। इसका कलर अगर आप जो भी चेंज करें, इसके बाद आप यहाँ से शेडो अगर ऐड करना चाहें तो आप शेडो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है तो शेडो सही तरह से नज़र नहीं आएगा। अगर आप ग्रेडियंट करना चाहते हैं, ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट में क्या होता है, दो तीन तरह के कलर्स मिक्स हो के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें क्लिक करूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह से देख रहे हैं नीचे से ब्लैक शेड आ रही है, ये इस तरह से होता है, मतलब है कि इसमें ना दो से तीन तरह के कलर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं ग्रेडियंट में। उसके बाद आप यहाँ से स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रोक ऐड करना चाहें तो स्ट्रोक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग है, अगर आप इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं इस तरह से। और ओपेसिटी वगैरह है कि अगर आप इसकी ओपेसिटी को डाउन करना चाहते हैं या फुल करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ग्राफिक्स में जाएँ तो यहाँ से आपके सामने काफ़ी ज़्यादा और भी आ जाएंगे ऑप्शन, जहाँ से आप ग्राफिक्स को ले सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें गैलरी में से आप ले सकते हैं, ओपेसिटी, ग्रेडियंट्स, इफेक्ट्स, जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं ईजीली। और यहाँ पे आपके सामने लोगोज़ बने बनाए भी आ जाएंगे, आप कोई भी मतलब यहाँ पे ऊपर लगाना चाहें तो आप इजीली लगा सकते हैं। अब जब आपका ये सारा लोगो क्रिएट हो जाए आपका, ये तो है टेम्पलेट, इसको आपने यहाँ से ऐसे सेव के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से, और आप पीएनजी अगर सेव करना चाहते हैं तो ये पीएनजी से कर सकते हैं, और अगर जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो आप जेपीजी में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेव करूँगा और ऐड आई, इसको ऐड को मैं कट कर दूँगा और ये मेरे सेव हो गया। इसके बाद अगर मैं बैक आऊँ वापस, और मुझे अगर अपना खुद का एक कस्टम लोगो क्रिएट करना है तो यहाँ से मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे इसको ऐड को कट करना है, और यहाँ से मैं अपना खुद का एक लोगो क्रिएट कर सकता हूँ इजीली, यहाँ से जो मुझे टेम्पलेट, जो भी मुझे आइकन अच्छा लगता है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला आइकन है, इसको मैं जहाँ जैसे मर्जी बड़ा करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट को ऐड करना चाहूँ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से जो भी जिस तरह का भी आप करना चाहते हैं आप अपना लोगो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इजीली। और जब क्रिएट हो जाए तो आपने यहाँ से सिंपल से सेव में क्लिक करना है, और यहाँ से आप जेपीजी या पीएनजी में लोगों को सेव कर सकते हैं इजीली। तो इसी तरह से आप ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और यहाँ से वॉलपेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं इसमें, आपको ऐड देखने हैं ऐड के बाद आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, ये सारे गेमिंग के रिलेटेड हैं वॉलपेपर्स भी, और आप इनको इजीली इनको आप सेव भी कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन जहाँ से आप इजीली फ्री में अपने गेमिंग के लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more.